हे गाइस, मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इमरान द बाइकर। तो आज गुड मॉर्निंग फ्रॉम तुरतुक मुन्ना दा, और मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूं तुरतुक पे इस्माइल भाई की होम स्टे पर होम स्टे पे। तो ये चाय चाय का कवर देखिए चाय, रोटी और अंडे। तो यहाँ से ये सब खा के लास्ट ब्लेज करके हम लोग आ जाएंगे वापस। और वो तो देखा आप लोगों ने कितना सारा बर्फ था, उसी का एक मन में ये चल रहा है। तो जल्द से जल्द हम लोगों को ले से लद्दाख से निकालना है, क्योंकि हर तरफ पास में बर्फ पड़ रहा है और बर्फ दिन में दिन ज़्यादा होगा तो हम लोग ढक सकते हैं। इसीलिए बहुत जल्द हम लोगों को निकालना है यहाँ से। आप लोग आइए तो अगस्त नवंबर तक आइए, नहीं, जुलाई पे बहुत जुलाई बारिश रहता है, पानी बहुत ज़्यादा रहता है, ये लोग बोलते हैं गंदा राश होता है। और बेस्ट टाइम है अगस्त उस टाइम, और हम लोग जिस टाइम पे आए हैं ये भी खराब टाइम है, क्योंकि सब पास में बर्फ जम जाता है। तो गाइस खाना का मजा लेते हैं और निकलते हैं यहाँ से, रोड पे मिलता है। यहाँ से बरेते जाना है। हाँ, ये रहा इस्माइल भाई। तो इनके होम स्टे में बहुत अच्छी खरीदारी मिली, इनका नंबर मैं छोड़ दूंगा आपकी डिस्क्रिप्शन में। तो अगर तुरतुक में स्टे करने चाहते हो तो भैया को कांटेक्ट कर लेना, इसका पार्किंग भी है, बहुत बढ़िया रहा। थैंक यू इस्माइल भाई। चलिए निकलते हैं, बाइक को कैसे निकलेंगे इस्माइल भाई, पकड़िए। तो हाँ, खुदा हाफिज। है तुरतुक, तुरतुक विलेज के अंदर में थे हम लोग, और कल मैंने ख्याल नहीं किया, नोटिस नहीं की, मेरे हेलमेट एक बार गिर गया था रास्ते पे चेक पोस्ट पे, वहीं पे मेरा कैमरा माउंट टूट गया, एक ही माउंट पे चल चलिए देखते हैं कितना दूर चल पाता है। यहाँ केक फल, क्या फल नाम बोला, वो फल अच्छे है, वो भाई के पास थे मगर घर में बोलना भूल गया, इसलिए ना ले नहीं पाए। तो इंडिया का लास्ट विलेज है ये, थोड़ा आगे कैसका नाम के। तो यही है, इंडिया की लास्ट विलेज की तरफ निकल रहे हैं अभी। तो रास्ते में थोड़ा गांव कुछ दूसरी तरफ का है, रात को हम लोग आए, आप लोग को दिखा नहीं पाए इसलिए सुबह दिखा रहे हैं। तो इस्माइल भाई की तरफ से एक बात बोल दूँ, वहाँ का होम स्टे में 700 रेट चल रहा है अभी, आपको नंबर लेके कह देना, बात कर लेना, 700 पर पर्सन इंक्लूडिंग डिनर एंड ब्रेकफास्ट। अफ्रीकोट, अफ्रीकोट नाम के पेड़ है जो जिसमें फल होता है, अफ्रीकोट ड्राई फ्रूट होता है। बढ़िया नजारा है, आज सुबह की अभी 8:30 बज रहे हैं। वाह, पूरा पानी नीली नीली है।
यही है लास्ट चेक पोस्ट, इसके आगे नहीं जाने देते। इसके आगे एक ही गांव है त्याक्सी नाम का, उसके गांव के बाद ही पाकिस्तान का बॉर्डर है, इसीलिए यहाँ तक सिविलाइजेशन, यहाँ के हम लोग टूरिस्ट को यहीं से यहीं तक जाने देते हैं। ऊपर से एक गांव है, ऊपर से आप लोग देख पा रहे हो, वो ऊपर जाना होगा, ऊपर थोड़ा जाने देता है, उसके इसे आगे नहीं जाने देता। तो गाइज ये है लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, और आगे दिखाते हैं आप लोगों को। बहुत ही चढ़ाई है और बहुत हिम्मत चाहिए इस राइड पे। हमारा तो थोड़ा हिम्मत पंचर हो गया वो खारदुंगला पे। तो ये दो बीच में जो पहाड़ दिख रहे हैं आप लोग, ये दो अपना है, और वो बीच में जो पहाड़ दिख रहा है बीच में दोनों की साइड से, वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान की है, और ये हमारे है। तो मैं और नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा ही जाऊंगा। मुन्नादा का बाइक में प्रॉब्लम आ गई तो स्टार्टिंग की, और बंदा वो बार बार एविजेट है, स्टार्ट बंद कर रहा है जहाँ पे रुक रहा है, तो उसके दौरान फिर धक्का लगाना पड़ रहा है। पाकिस्तान हमारा इंडिया बॉर्डर का लास्ट है ये। कितना ऊपर जाए यार वो वाला, इतना दूर आए हैं तो थोड़ा और ऊपर जाते। ये गांव के नाम है टैक्सी, यहाँ पे बहुत सारे टैक्सी है। शायद यहीं तक गाड़ी जाते हैं। हाँ नहीं, भाई जान कलकत्ता से है, और हेलो बोल जी, वो बॉर्डर कौन कौन सा है हमारा बॉर्डर? उधर आप जा सकते हैं आगे, ये रास्ता पर चलना है। ना इतना डर लग रहा है रास्ते में, ये बाइक बिना बाइक की जाओ सर। कितना दूर है पैदल में? बस यही मोड़ है बस। और ऊपर से वो पाकिस्तानी विलेज दिखेगा क्या? पाकिस्तानी विलेज विलेज नहीं, यहाँ एक स्कूल है पाकिस्तान का, वो यहाँ से नहीं था, वो था यहाँ से नीचे रोड से जाता। तो वो तो आर्मी वाला नहीं मना कर दिया, आर्मी वाला कहाँ से? पुराना, बहुत पुराना पाकिस्तानी टाइम का स्कूल, यही से आप जाइए पैदल। नहीं नहीं और नहीं जाएंगे, ठीक है भैया थोड़ा पकड़िए, तो घुमाना है। यहाँ से पैदल जाना होता है तो गाड़ी छोड़ के नहीं जाएंगे। वो पाकिस्तान देख लिया, तो ये है तुतुक विलेज, तो बहुत बढ़िया दिख रहा है, शेबक रिवर के पास है ये रहा वो विलेज। वाव, तो हम लोग चलते हैं, आज थोड़ा देर करके जाएंगे, थोड़ा देख घूमते हुए, कल रात को मॉन्स्टर वगैरह नहीं देखे, डबल झूठ वाला ऊंट नहीं देखे, दूर से देखे हैं, हो सके तो पास से देखेंगे। चाचा बैठे हैं यहाँ पे,
यक, ये यहाँ से गांव जाते हैं इस्माइल भाई के गेस्ट हाउस, बाकी सब गेस्ट हाउस इधर से है। आगे थोड़े दो चार भी है पर अभी लॉकडाउन के बाद इन लोगों ने खोला नहीं है अभी तक, गवर्नमेंट का वैसे उन लोगों का जारी नोटिस नहीं आया। बहुत कम टूरिस्ट हैं, हम लोग हैं और दो चार को हम लोग मिले बस यही कुछ। या अभी भी ये है एप्पल ट्री सेंट्रो, कल रात को गांव पे कोई नहीं दिख रहा था, आज थोड़ा बहुत तो दिख रहा है सुबह तो अच्छा लग रहा है। रास्ते पे एक दो आदमी को देखो तो अच्छा लगता है। अरे बाप रे, ये लड़की ऊपर चढ़ रहा है कैसे, मतलब डीटीटी डेट मतलब मालूम नहीं। मॉर्निंग राइड चल रहा है हमारा, बहुत बढ़िया दिख रहा है। रिवर की साइड जाते जाते अगर मनाली पहुंच जाते तो उससे बढ़िया चीज़ नहीं होता, क्योंकि दिस टाइम हर पास में बर्फ है और हम लोग ऐसा ऐसा फंस रहे ऐसे लग रहा है, तो घर भी जाना है, घर के लिए अब तो मन खराब कर रहा है। और कल के बाद थोड़ा सा हम लोगों को वो कुछ अलग सा हो गया माइंड, बाकी सब बढ़िया था, बढ़िया है कोई बात नहीं। हाँ थोड़ा घट गई थी इस बार, आज का न्यू डे है, आज फ्रेश डे है और हम लोग फुल एंजॉय में हैं, फुल जोश में हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। इतना दूर आए हैं ऊपर वाला साथ है तो हम लोग अच्छे से घर पहुंच जाएंगे। छोटा छोटा पॉट है रोड पे, बाकी सब बढ़िया रोड है। यहाँ लद्दाख में सब कुछ है, पहाड़ है, नदी है, लेक है, अभी तो हमको डेजर्ट भी मिल गया, अल्टीमेट है भाई। अभी फूल का सीजन नहीं तो बहुत सारे फूल होते रास्ते के पत्थर के में, जो पेड़ पौधे दिख रहे हैं पौधे, सियाचिन वॉरियर, तो
यहाँ से हम लोग डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट से खलसर खलसर में होके एक रास्ता बाएं तरफ जा रहा है, आने के टाइम आपको राइट साइड मिलेगा, जाने की तरफ हम लोग वापस जा रहे हैं। तो बाएं तरफ वहाँ सुमर होके वो सियाचिन बॉर्डर सियाचिन जाता है और वहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपके पास मैप भी नहीं हो तो भी आप लोग आराम से आ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक ब्रिज क्रॉस करने वाले हैं, ऐसा दो ब्रिज मिलते हैं हम लोग को तुरतुक से रास्ते पे। हम लोग अभी तुरतुक से डिस्ट्रिक्ट की तरफ से ले जाएंगे, फिर से वही खड़दुंगा का पास है। हैप्पी जर्नी, थैंक यू। वो हम लोग सोचे थे खड़दुंगला से आके नीचे आके इधर से चले जाएंगे नदी के किनारा पकड़ के, कोई पास नहीं आएगा इसीलिए हम लोग आ गए, नहीं तो वो खड़दुंगला देख के वहाँ से रिटर्न लेते। खड़दुंगला का नीचे उतना बर्फ है नहीं, 2 किलोमीटर है, पर वो डाउन बहुत ज़्यादा है। यही ना करे यहाँ पे मेरा गाड़ी का पंचर मंचर हो, डर लग रहा है। ओ डाडा, यहाँ से थोड़ा वाटरफॉल्स छोटा सा और एक ब्रिज। कष्ट करते हैं लोग। बाय बाय। रात को यहाँ क्रॉस किया है, तो अभी झील को दिखा रहा है लोगों को, ऐसा बाहर है देखा झील की। अभी जाओ धूल बाली, आस्ते 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 पैर नमा दिया और नमा के अस्ताना। अभी मैं गिनने वाला था, बालू है पूरा बालू। उनको फिर से एक ब्रिज क्रॉस करना है, ये रहा हमारा ब्रिज क्रॉसिंग। लकड़ी का ब्रिज है, बहुत आवाज कर रहा है। यो मैन, वेलकम टू दुर्गा ब्रिज। पर रुके मुनंदा, ये है शेख रिवर और ये गांव चंगमूर के नाम से गांव जाना जा रहा है। तो देख पा रहा है कितना टाफ है राइड, रोड साइड पे कोई बैरिकेड नहीं है, यहाँ पे 2-4 है। वहाँ पे तो बहुत खाई भी था, तो नजारा बहुत बड़ा है, बढ़िया है। ऊपर पहाड़, इस साइड पहाड़ और अंदर से नदी या नदी के किनारे से रोड, हमारा ऐसा ही होता है। लेते डीम डीम लग रहा है, डीम निकलते निकलते
नीचे ही होगा ना? हाँ नीचे वाला ही होगा, क्योंकि नदी नहीं छोड़नी है हमें, हमारा नेटवर्क नहीं है। ऑफलाइन में डाला था, वो भी मैं ऑफलाइन में नहीं दिखा रहा है, एक बार चेक कर लो। नहीं नहीं नीचे वाला होगा, ऊपर वाला तो ऊपर जा रहा है। कहाँ यही रोड है, 160 किलोमीटर है अभी यहाँ से ले, 160 सिर्फ 40 किलोमीटर आए हम वहाँ से। वहाँ से तो हम लोग 9 बजे निकले थे, 11:30 हो गया और कितना आया, 40 किलोमीटर मात्र होना था। जिस रास्ते पे एक रनवे दिख रहा है वहाँ पे, जो प्लेन फाइटर प्लेन बोलिए, जो भी कार्गो आर्मी वालों का, ये दिखाना नहीं चाहिए था मुझे, फिर भी छोटा सा एक शॉट ले रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ। कल रात को हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था क्यों इतना बैरिकेड दिया हुआ है, कि ये क्या इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, ऐसा बोल रहे थे हम लोग, तो क्यों दिया है अभी मालूम पड़ा, क्योंकि अंदर एयरपोर्ट है और उधर रनवे है। तो ये फोटो कैमरा ऑफ कर देते हैं, ये सेफ्टी इशू है, हमारा देश की सिक्योरिटी की बात है। तो गाइस हम लोग हुंदर से थोड़ा दूर है और लग रहा है वो खरदुंगला टॉप है शायद, वहीं से हम लोग आए ऑटो सामने। तो गाइस हम लोग हुंदर के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि वो डबल खोज वाला कैमल देखना है हम लोग को। ये बड़ी का इंटीरियर बहुत ही बढ़िया लग रहा है देख के, यहाँ का तो चलिए ऊंट देख के आते यहाँ से सीधा। यहाँ पे डिजर्ट में हम लोग गए थे, उसके बाद मेरा गोप्रो का बैटरी डिस्चार्ज हो गया था, तो इसलिए फुटेज नहीं दिखा पाए हम लोग। यहाँ पे थोड़ा एंजॉय करे और इसके बाद निकल गए यहाँ से सोजा पेंगोंग जाते। तो गाइस यहाँ से लेफ्ट पेंगोंग सॉरी खरदुंगला राइट में, और लेफ्ट में जाओगे तो पेंगोंग लेक आएगा, शक्ति आएगा, वो 78 किलोमीटर में। तो हम लोग वो शक्ति के बारे में सोच रहे थे, पर वहाँ पे भी पास है, वहाँ पे भी बर्फ़ है, तो यहाँ पे लोग ज़्यादा है इसलिए यहीं से जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे ट्रक भी जा रहे हैं, दिक्कत में पड़ेगा तो इधर से जाएगा, और उधर सीधा पेंगोंग था, पेंगोंग का हमारा परमिट नहीं है, इधर से जाते हैं तो पेंगोंग के उधर कोई ये में रुक देता हम लोगों को शायद। यहाँ से स्टे वन खरदुंगला 25 किलोमीटर खरदुंगला, उससे ज़्यादा होगा, खरदुंग करते हैं पहले उसके बाद खरदुंगला। हम लोग सेकंड टाइम क्रॉस कर रहे हैं, खुदा ठीक तरह से ले जाना। वो ऊपर वाला वो है खरदुंगला टॉप 18,000 फीट ना, दा थोड़ा सा ऑफ रोड ले ले ये वाला, वो रास्ते में आ जाएगा, ले लू बिस्मिल्लाह ले लेते हैं। भाई चल लेना मुँह, खराब है रोड, बालू का ट्रक को ओवरटेक करने के लिए हम लोग ने ये लिया। तो मुन्ना दा भी आ रहे हैं सामने के, कोई बात नहीं, घर है आहिस्ते पहुंच जाएंगे, घर तो पहुंच जाएंगे आहिस्ते। अगर आप जैसी भी डाल के वो जो
रास्ता को छील देना तो बराबर आराम से गल जाती है, नहीं तो आग लगा के या कुछ ऐसे करके आराम से क्लियर कर सकते थे। क्यों मगर क्यों नहीं किए ये मालूम नहीं। ऊपर हेलीकॉप्टर गया और ऊपर लैंडस्लाइड चल रहा है। अभी जाए वो लोग जाने के लिए बोल रहे हैं पर लैंडस्लाइड हो रहा है, हम लोग पत्थर कट रहे हैं। अरे बाप रे थोड़ा ऐसा ना मुन्ना था, वो लोग पत्थर कट रहे हैं और हम लोग को बोल रहे हैं चले जाओ, डर लग रहा है ना ऊपर से पत्थर पड़ेगा तो। हे गुड इवनिंग गाइस, तो हम लोग का बैटरी डाउन हो गया था, उसके बाद हम लोग घाटदुंगला पास क्रॉस किए जहाँ पे कल 10 किलोमीटर तक बर्फ था, आज सिर्फ 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तक बर्फ है। तो आगे ठीक ठाक, बहुत डर लग रहा था कल के वजह से पर अभी ठीक है। और आज जो आके पहुँचे हैं जी एक बढ़िया होटल में जी, बहुत बढ़िया है, बहुत सारे फंक्शन है। कल ये इसका एड्रेस मैं दे देता हूँ, आप लोग आओ तो इधर ही आओ, इससे बड़ा देखा नहीं क्योंकि पार्किंग प्लेस भी बहुत बढ़िया है और अंदर जाके दिखाते हैं आप लोगों को। और हम लोग यहाँ पे मैं बोल देते हैं डॉर्मेटरी रूम है, डॉर्मेटरी रूम पर 8% का है, 10% का है वो 400 पर पर्सन। और प्राइवेट रूम है 1500 एंड 2000 बट द प्लेस इज न्यूली ओपन्ड एंड वेरी क्लीन, सुपर क्लीन। चलिए हम लोग अंदर जाकर दिखाते हैं। Hostel and lay name is Usa. So here's the owner and he said about this place. Firstly I thought it's a hotel, but it's not a hotel, it's a hostel. And what's the place? Let's hear from him. Hi, I'm from Usa Hostel. I'm the founder of this place. So it's a backpacking hostel. We try to promote travelers, not tourists, and people who come here for a long time and want to know about Ladakh and want to meet different people from different places around the world, and they can be friends and hang around and know about this place more and more than staying in a hotel and knowing nothing about this place. Okay. Yeah. And this place has lots of sideways gaming side and आप लोगों को मैं दिखा दे रहा हूँ, एक बार वीडियो पहले ले चुका हूँ मैं, वो डाल दूंगा आप लोगों को। बहुत सारे यहाँ पे गेम्स वगैरह है, वो टाइम पास कर सकते हैं। और इसका टैरिफ के बारे में भी बोल लेते हैं, लोगों को पूछ लेते हैं भैया को। और अब जब भी आओ मैं नंबर इनका छोड़ दूंगा, तो आप यहाँ पे जरूर एक बार आना, ले पे आए तो यहाँ पे आना बनता है क्योंकि इतना बढ़िया प्लेस है। तो भाई इसका टैरिफ के बारे में थोड़ा कुछ बोल सकते हैं Navi. He's one of our guests who stayed for the longest. So you want to know about the room tariff, right? Yeah. So basically the hostel has dormitories and private rooms as well. Yeah. So there are two sort of private rooms, one with the balcony and one without a balcony. Yeah. So the one without a balcony would cost somewhere around 1500 and the tariff for the other one is 2000. And for dorm beds, for 10 beds it's 350 and for 8 bed it's 400. This is the COVID time. नेक्स्ट टाइम क्या होगा आपको फोन करके पूछ लेना पड़ेगा साहिल भाई को, तो उसका नंबर मैं दे दूंगा। तो चलिए गाइज, हमको सोना भी है और टाइम भी जा रहा है, तो आज के लिए गुड नाइट। नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं, लाइक सोमोरिरी और समथिंग सर्चू, देखते हैं कल क्या करते हैं।